छोटा सा डिस्प्ले है के लिए, लेगा तो नहीं लेकिन फोटो ले लेते हैं। तो ये आईफोन 13 मुझे याद है मुद्रिका भाई, वो सुबह जब मैं उठा था बेड पे ही था तो मैं ये सोच रहा था कि यार कुछ करते हैं, मतलब कुछ ऐसा एक्साइटमेंट हो, मजा है टूर्नामेंट में। तो मेरे जहन में आया कि कौन सबसे कीमती फोन है, तो मैंने किसी से पूछा कि यार अभी सबसे कीमती फोन कौन है, तो बोला यार आईफोन 13 प्रो मैक्स। और वो दिन मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगा था कि यार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार 25,000-25,000 कहाँ से हम अरेंज करेंगे, क्योंकि जो टूर्नामेंट फीस होता है उसमें तो अपने एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। तो मैंने दो चार फोन घुमाए तो मुझे ऐसा लगा कि हमें मतलब फंड रेज करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल आया। लेकिन मुझे ये क्लैरिटी था कि मुझे करना है भले जो भी होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाम होते होते तक उसी दिन में जब मैंने मुशर्रफ भाई को मैंने अपना प्लान बताया, बोलते तू पागल है क्या, तू क्या सोच रहा है, तू क्या करने जा रहा है। मैं बोला बस सोच रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ। और शाम तक होते होते मैंने ग्रुप पे ये वाला कंफर्मेशन दे दिया। और मतलब बहुत अहम रोल है वो है बग्गा साहब का, हमारे आई थिंक बग्गा साहब से आप लोग मिले हैं कि नहीं है, उनके लिए जोरदार तालियां। बग्गा साहब और हमारे संजय साहब जो वो सब साथ में बैठे हुए थे, और मैंने बग्गा साहब को बोला कि बग्गा साहब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा हो सकता है क्या, फंड रेज हो सकता है क्या। तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए आपको, मैंने ऐसा समय बताया कि आईफोन 13 प्रो चाहिए, तो बोला हो जाएगा। तो मैंने बोला हो जाएगा, ये क्या यार मजाक तो नहीं कर रहा, एक ऐसा लगता है कि हो जाए। मैं बोला बग्गा साहब 25,000 का, तो तू ऐसा बोल रहा जैसे 2.5 लाख पाउंड रेस करने, 25,000 ही है ना, हो जाएगा। और बस उसी टाइम में उन्होंने बोला, मैंने बोला कि इसको अनाउंस कर दूं, बोला हाँ अनाउंस कर दे। उसके बाद काफी दिनों तक, 2 हफ्ते तक तो मैं कशमकश में था कि हमने क्या किया है, ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू बग्गा साहब, जिन्होंने जो मतलब जो एक मोटिवेशन होता है ना, जो पॉजिटिव वाइब्स होता है पहला, सबसे पहला वो जो उन्होंने दिया। और मुद्रिका भाई, जब ये टूर्नामेंट हम लोग सोच रहे थे, मेरे जहन में आ रहा था, तो मैंने मुद्रिका भाई को फोन किया था कि ऐसा है, बोले लेट्स डू इट। तो वो जो लेट्स डू इट है ना मुद्रिका भाई का, वो इतना मतलब पॉजिटिव था और इतना वाइब्स था कि आज हम लोग इतना अच्छा अच्छी तरीके से आप कर पाए। और जस्ट मैं एक चीज मेंशन करना चाहूँगा कि जो बैकग्राउंड में हम लोगों ने सपोर्ट किए हैं, और जो एवरीथिंग, जो ये एक भाई है हमारे सरफराज भाई, जिन्होंने बैकग्राउंड में पूरी मेहनत की है हर चीज को अरेंज करने में और यहाँ तक पहुँचाने में, बहुत बड़ा रोल है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सरफराज भाई का, जो हर वक्त में उन्होंने जहाँ भी रहे, चाहे इजिप्ट में है या इजिप्ट से बाहर है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और चीज़ों को यहाँ तक लाने में हमारी मदद की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं जब बात कर रहा था हमारे भाई से, डे वन से बात हो रही है मेरी, और ऐसा नहीं लगता था कि हम पहली बार मिले हैं, ऐसा लगता था कि हमारा पुराना रिश्ता है, पता नहीं क्या यारा है डे वन से। और जब हमने एक की बात किया तो देखा अल्लाह ताला मदद करने कहीं से भी आया था, किसी के भी जहन में डाल देता कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा। और जिस तो फिर हमाद भाई ने बोला कि यार हमारे तरफ से भी कुछ गिफ्ट है, और वो आज सऊदी जर्मन की तरफ से, मैं एक बार जोरदार तालियां सऊदी जर्मन की तरफ से पूरी मैनेजमेंट को, जो इसमें उन्होंने इसको सोचा भी, मेरी सोच नहीं थी बिल्कुल, हमाद भाई खुद से आगे बढ़ के उन्होंने मैनेजमेंट को अप्रोच किया और ये 2 सैमसंग के मोबाइल उन्होंने गिफ्ट किए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मैनेजमेंट का। और इसी तरीके से अगर हम लोग कलेक्टिव एफर्ट लगाएं तो आने वाले दिनों में भी एक अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और लास्ट में, एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच संजय भाई, दिस इज जो आपने मुझे मदद किया। तो ये हाँ, ये सॉरी मैं बीच में बोलना भूल गया कि बग्गा साहब ने किया, बट इसके जो स्पॉन्सरशिप है पूरा का पूरा वो MB ग्रुप स्पॉन्सर कर रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। और जब भी हमने किसी भी छोटे या बड़े रिक्वेस्ट लेकर गए हैं, संजय भाई ने कभी नहीं इनकार किया और ऑलवेज उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट की वजह से आज इतना अच्छा जो वाइब्स है और जो अच्छा टूर्नामेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। देखिए जैसे कैनोपी के लिए मैंने 2 दिन पहले बोला था उनको, और वो आज कैनोपी लग गया,
तो ये सब जो एक मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और जो भी है सपोर्ट उन्होंने दिया है वो बहुत ही मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ, और उनकी वजह से ही हमारे आज इजिप्ट में क्रिकेट को एक नया लाइफ मिला है। तो एक जोरदार तालियां संजय भाई के लिए। थैंक यू वेरी मच।